अस्सलाम वालेकुम गैस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो गैस, जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में बताया था, मैंने स्पॉइलर मंगवाया हुआ ग्रैंडे का, तो वो स्पॉइलर हमारा फाइनली आ चुका है। और इसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि एक तो स्पॉइलर और दो तीन चीज़ें ऐसी होती है जब मैं मंगवा लूँ तो बस मैं सोचता रहता हूँ कब आएगी और कब मैं लगवाऊंगा। तो इस वजह से इसका बहुत बेसब्री से इंतजार भी था मुझे। तो अब मैं स्पॉइलर आपको खोल के चेक करवाता हूँ, इसके साथ दो तीन चीज़ें और हैं वो भी आपको चेक कराता हूँ, फिर इसको हम गाड़ी पर रख के चेक करेंगे। और ये अभी पेंट भी नहीं हुआ हुआ, मैं पेंट हुआ ज़्यादातर नहीं मंगवाता कोई भी चीज़, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है पेंट रास्ते में। तो इसको हम पेंट भी करवाएंगे, उसके बाद गाड़ी पर लगवाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको गाड़ी पर रख के चेक करवा दूँगा। ये है भाई साहब इसका पूरा स्पॉइलर, इतना बड़ा, लगने के बाद छोटा सा लगता है लेकिन लगने से पहले बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, समझिए। ये चीज़ें हैं बेसिकली डिगी पे लगेगी और डिगी के ऊपर ही आएगा, मतलब थोड़े से 2 इंचेस की हाइट ऊपर होगी। तो ये 3 पीस में आया है, एक ये स्पॉइलर है, एक ये जिसके ऊपर इसको रखेंगे, और ये इसकी ब्रेक लाइट है। इन तीनों को आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, रख के भी दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसको गड्डी पे रखेंगे। तो ये गाइस, हमने सब कुछ खोल लिया, ये इसकी ब्रेक लाइट है, और इसके ऊपर ये ऐसे स्टैंड करेगा स्पॉइलर, इन दोनों के ऊपर, और ये स्पॉइलर है। अभी आपको यहीं पे रख के दिखाता हूँ कि इसका डिज़ाइन कैसा। जी तो गाइस, इस टाइप का ये स्पॉइलर है, साइड से ऐसे ऊंचा है, बीच में से नीचे है, और फिर साइड से ऊंचा है। और ये इसकी ब्रेक लाइट है, ये तकरीबन यहाँ पे लगेगी। और अभी हम बाहर लेके जाते हैं, तो गाड़ी पर रख के देखते हैं। गाइस, हम स्पॉइलर लेके अपने घर से फरार हो चुके हैं, और पीछे स्पॉइलर पड़ा है, और अभी वहाँ पे ज़रा रश था, इस वजह से शोर वगैरह भी था, तो मैंने वहाँ नहीं बनाई। अभी यहाँ पे खड़ी करके आपको स्पॉइलर लगा के दिखाता हूँ। इसके लिए हमने एक सस्ती सी टेप भी चुक ली है, ना वो पक्का ही लग गया, हमने सस्ती सी टेप चुकी है। और स्पेशली जो गाड़ी बज गई थी कल, वो आपको दिखाता हूँ कैसे बजी है और कहाँ से बजी है। गैस, गड्डी की हालत तो वेरी वेरी टाइट हुई हुई है, क्योंकि रातों रात वापस आई थी। ऐ चेक करो, लस्टर मारने के बाद ये नतीजा होता है, ब्राउन ही हो जाता है पूरा। तो अब आपको दिखाता हूँ ये गाड़ी वज्जी किधर से थी। ऐ तको भाईजान, ये दो लाइनें आई हैं, ये भी है, और इस भाई साहब की तो हालत वैसे ही ख़राब होती रहती है, और ज़्यादा हो गई है। यहाँ से भी थोड़ी सी लगी है, और उसके अलावा स्प्लिटर तो था ही था, यहाँ से भी रगड़ गई है। मतलब ऐ चेक कर लो, ये सीन है पूरा। तो गाइस, अब ये गाड़ी कैसे लगी है उसका सीन कुछ ऐसा कि हमारे जो भाई साहब है ना, वो ऐसे बिल्कुल ना लेट के इजी हो गए गाड़ी चलाते, सीट फुल नीचे करके, ऊपर पावे कुछ नज़र आए ना आए, इतनी सी रोड नज़र आनी चाहिए। तो वो हम एक शादी पे गए थे, वहाँ पे एक सरिया लगे हुए थे 4-5, एक गुजर गए, 2 गुजर गए, 3 गुजर गए, चौथा भी था, गाड़ी पार्क कर रहे थे, वो चौथा भाई साहब को नज़र नहीं आया, क्योंकि भाई साहब ऐसे गाड़ी चला रहे थे। तो ये भाई साहब रगड़ता रगड़ता अंदर घुस गया, तकरीबन ऐसे समझ जो आम डी गियर पर स्पीड होती है, इतनी स्पीड थी। तो ये एकदम घुस के भाई साहब पहुंच गया यहाँ रिम तक। रिम के ना ये BBS वाली साइड पे फंसा हुआ था, अब रिम इधर करो तो भी रिम को टच हो रहा था, रिम इधर करो तो भी रिम को टच हो रहा था। तो बस जैसे तैसे करके हमने निकाल ली, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा रिम भी रगड़ गया, ये मैंने आपको नहीं दिखाया, ये भी दिखाता हूँ। ऐ तक जी, ये इधर से रिम रगड़ा है हमारा, ये अंदर से भी, अभी थोड़े दिन पहले ये ब्लैक रहा था, लेकिन चलो खैर है, अब इंशाल्लाह थोड़े दिन तक ये काम भी हम करा लेंगे। वैसे डाडी बेसुरी लाइन लगती है गाड़ी पे, सही बात है, ब्लैक गाड़ी पे तो और बुरी लगती है। तो अब गाइस, हम अपना स्पॉइलर रख के चेक करते हैं, पहले उसको जो 2-3 पीस उसको टेप से लगाते हैं, फिर हम इसको डिग्गी पे रखते हैं। नंबर प्लेट हम पीछे की थोड़ी चेंज कर लेते हैं, और पीछे कपड़ा मार लेते हैं थोड़ा सा।
नंबर प्लेट गाइस हमने चेंज कर दिए हैं, सस्ता सा हमने कपड़ा भी मार दिया। अब हम इस पर स्पॉइलर लगा के चेक करते हैं। पहले इसके जो दो तीन टोटे उसको जोड़ते हैं। तो गाइस स्पॉइलर हमने फुल दो नंबर तरीके से लगा दिया है। वो जो टेप लगाई है वो भी सही चिपक नहीं रही और हमने इस पुराने स्पॉइलर के ऊपर ही लगाया है। इसको भी उतार नहीं सकता क्योंकि अभी तीन चार दिन नया रंग होने में और मैं नहीं चाहता कि स्पॉइलर के बगैर गाड़ी कहीं आई जाए, बड़ी अजीब लगती है डिग्गी। तो ये आप चेक कर लो, कुछ ऐसा लग रहा है। अभी हमने इसके ऊपर ही रखा है, इतने इसकी हाइट में फ़र्क होगा डिग्गी की और इसकी हाइट में 2 इंच का फ़र्क होगा। यहाँ से शायद 1 इंच का हो, इधर ब्रेक लाइट होगी और पीछे से टोटली लुक देख लो कुछ ऐसी होगी। अभी थोड़ी सी मनहूस लग गई क्योंकि अभी इसका कलर नहीं हुआ हुआ। जब ये उतर जाएगा और इसका कलर हो जाएगा फिर ये माशाल्लाह से नेक्स्ट लेवल का लगेगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये स्पॉइलर ना ग्रैंडे का है ना ये यूनिवर्सल है, ये किसी और गाड़ी का और ये बेसिकली है होंडा सिटी का। ये जो न्यू मॉडल है होंडा सिटी का, ये उसका स्पॉइलर है। वैसे सोचो अगर इसको मैं ऐसे ही लगा तो ये भी लगा रहे, ये ऊपर इसी कलर में लगा रहे, ये ऐसे ही दो नंबर तरीके से लगा रहे, मुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी रोड पर चलते हुए। इस वक्त पीछे से देखने में तो गाड़ी माशाल्लाह बहुत साफ लग रही है लेकिन आगे से चेक करो तो ये हालत है माशाल्लाह से। तो गाइस स्पॉइलर आप लोगों ने चेक कर लिए, आज मैं इसको दूंगा रंग होने के लिए। अब हम इसको 2-3 दिन के बाद लगवा लेंगे कलर करवा के और इंशाल्लाह बहुत प्यारा लगेगा। आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है, ना पसंद आया तो खैर आते रहते हैं, नए स्पॉइलर हम दोबारा चेंज कर लेंगे फिर कभी। जिनको पसंद आया पहले वो मज़े ले लें, जिनको नहीं आया वो बाद में ले लें। ओके अच्छा, ये 2 पीस में होता है, आप चाहो तो पेज से भी लगा सकते हो, चाहो तो टेप से भी लगा सकते हो। वैसे मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर बंदे टेप से लगाते हैं और इसको भी मैं टेप से लगाऊंगा। टेप से सही रहता, उतरता नहीं है बिल्कुल भी। वैसे लोग कहते हैं कि उतर जाता होगा लेकिन ये नहीं उतरता। और वैसे भी आपने सुना होगा गाड़ी पर कोई भी चीज़ लगवानी हो बंदे कहते हैं इसमें कुत्ता टेप लगा दो, डिग्गी हाथ में आ जाएगी, स्पॉइलर नहीं उतरेगा। यू सीरियस? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਸਕੇ ਆਨੇ ਕਾ ਬੇਸਬਰੀ ਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥਾ ਔਰ ਅਬ ਇਸਕੇ ਪੇਂਟ ਹੋ ਕੇ ਲਗਨੇ ਕਾ ਬੇਸਬਰੀ ਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅਬ ਗਾਇਸ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। इस टाइम आपका भाई कॉलेज जाता होता, अभी 10:30 हो रहे हैं, 11:30 बजे हमने जाना है कॉलेज। और कॉलेज से वापसी पे हमने स्पॉइलर कलर होने के लिए देना है और स्ट्रीट डीट को भी हमने बंद करना है। बहुत तंग करती है कसमें जी। तो मैं कह रहा था स्पॉइलर हमने कलर होने देना है अभी कॉलेज जाते हुए, इंशाल्लाह 2-3 दिन में रंग होके आ जाएगा या 1-2 दिन में, फिर हम इसको लगवा लेंगे। वैसे तो ये स्पॉइलर मैं खुद लगा लेता लेकिन इसमें ब्रेक लाइट भी लगानी है तो इसलिए हम इसको एंगल नहीं देंगे, इसको हम बाहर से लगवाएंगे। सोसाइटी में आपका भाई अभी मेन रोड पे नहीं है तो फिलहाल आपको यहीं पे एक छोटा सा मांडा मार के दिखा देते हैं। ओह मांडा बर्बाद। फिलहाल इसी से काम चलाओ। भाई जान ये हम कार पहुंच गए अपने, फॉर्च्यूनर पे भी हमारी सर्विस हो रही है, इंशाल्लाह इसका भी रिव्यू देना है आपको। ओके गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं स्पॉइलर के समेत ही मुंह दिखाऊंगा क्योंकि मेरा बड़ा दिल करता है जो चीज़ गाड़ी के बारे में बता दी है वो लगवाने के बाद ही बाकी व्लॉग बने उस पर। ठीक है समरिया, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।